हमारी बहुत मेजर रिक्वायरमेंट होती जा रही है। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने ये समझा कि शायद एजुकेशन की तो अब जरूरत नहीं रहेगी और डेफिनेटली स्किल्स ही है कि अगर बच्चा स्किल्स ले लेगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी और उसकी, बट अगेन पर्पस ये आते हैं कि क्या जरूरी है हुनर या तालीम, और दूसरा किस एज फैक्टर में हम इसको चूज करें। बोथ स्किल्स एंड एजुकेशन आर इक्वली इम्पोर्टेंट, और मेरे हाथ से एजुकेशन थोड़ा सा फिर भी ऊपर ही रहेगी क्योंकि रीजन जाती है, दिस आर डिफरेंट पर्पस बट एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। एजुकेशन आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, आपने स्किल्स को कैसे लर्न करना है वो भी थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग आपको लर्न होते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो स्किल्स आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप कर देती है कि जिसके थ्रू आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप ट्रेनिंग लेते हैं और आप उस जो आपकी एजुकेशन है उसकी उसी से आप अपनी स्किल्स को इनहांस कर सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि जरूरी इनमें से क्या है तो ये दोनों के बगैर हम नामुकम्मल हैं। तो कैसे नामुकम्मल हैं कि आप देखें कि जब एक बच्चा, अगर हम कहें कि जी एक बच्चा अगर 3 years 4 years का है, 5 years का है और हम उसको पैदा होते साथ वाली बात पे ही कि जबकि है कि आप 5 साल तक बच्चे को, जब मैंने पीछे भी मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम किया तो उसमें डॉक्टर इमरान ने भी क्लियर कट वर्ड कहे हैं कि 5 years तक स्कूलिंग नहीं होनी चाहिए, 5 years तक की जो एजुकेशन है, जो तरबियत है, जो उसकी ग्रूमिंग है वो उसकी मदर करे। माँ की गोद बच्चे की पहली दर्द का ऐसे नहीं कहा जाता था, बट हम उन चीजों से थोड़ा सा पीछे होते जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि बस स्कूल में भेज दिया बच्चे को, कंप्यूटर पे लगा दिया और बच्चा बहुत शार्प हो जाएगा, बट अगेन बच्चे के अंदर वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी इनहांस नहीं होगी। आप देखिए जब आप स्किल डेवलप कर देते हैं बट क्या उस स्किल्स के थ्रू क्या आप बच्चे के अंदर बर्दाश्त पैदा करना सिखा सकेंगे, वो एजुकेशन सिखाती है, वो बच्चे की ग्रूमिंग सिखाती है। आज का बच्चा नौकरी पे लगता है बाद में, रिजाइन देने के मोड में पहले होता है, अगर उसको कोई सीनियर्स का कोई बात करता है तो उसका इतना मुंह फूल जाता है, उसके अंदर ये एटिकेट्स, ये मैनर्स ही खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि अगेन सिर्फ स्किल्स की अगर हम बात करें तो स्किल्स आपको तभी समझ आएगा जब आपके अंदर एजुकेशन होगी, जब आपके अंदर वे होगा कि आपने लर्न कैसे करना है। एज फॉर चूजिंग अ कैरियर, कैरियर इट्स अबाउट लाइक, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी हम लोग शुरू से ही एक वो अपने आप को पैशनेट रख के चल रहे होते हैं और शुरू से उनका लाइफ का पर्पज होता है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, उन्होंने इंजीनियर बनना है, उन्होंने साइंटिस्ट बनना है, उन्होंने डाटा एनालिस्ट बनना है, जो भी जो उनके लाइफ का पर्पज होता है बहुत अर्ली एज से, और वो उसी गोल को, उसी डायरेक्शन को फोकस करके अपनी लाइफ में आगे परसू कर रहे होते हैं। बट ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अपनी एजुकेशन के थ्रू अपनी स्किल्स को बिल्ड करते हैं और वो करियर, वो पाथ चूज करते हैं और जिसमें वो गलतियां भी करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट मीन कि लाइक कि जो उन्होंने पाथ चूज किया वो उस पर, और वो ज्यादा स्मूथ और ज्यादा बेहतर चल रहा है।